फ्रेंड्स, अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और आप चाहते हैं कि आधार कार्ड फिर से दोबारा डाउनलोड कर लें, तो आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए रेगुलर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे। हम मोबाइल में ही कर रहे हैं फ्रेंड्स। मोबाइल में हम गूगल क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद देखिए यहाँ UIDAI.gov.in इसको हम खोल लेंगे। देखिए आ गया है ऊपर में, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे गेट आधार सबसे पहला ऑप्शन यही आता है। तो गेट आधार पे ऑप्शन है फ्रेंड्स, लोकेट एन इनरोलमेंट सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस। उसके बाद चौथा नंबर पे है डाउनलोड आधार, हमको आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आगे का प्रोसेस भी आप देखिए। अब एक नया वेबसाइट खुल जाता है, myaadhar.uid.gov.in। तो इस तरीके से खुल गया फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे देखेंगे, नीचे आने के बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन ये है डाउनलोड आधार। डाउनलोड आधार पे हम क्लिक कर देंगे। डाउनलोड आधार क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से खुल जा रहा है। इसमें आप आधार कार्ड नंबर, इनरोलमेंट नंबर या वर्चुअल आईडी आधार कार्ड का जो होता है उसमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ आधार कार्ड नंबर ही रहने देते हैं। आधार कार्ड नंबर हम यहाँ डालते हैं अपना। देखिए आधार कार्ड नंबर हम डाल दिए। अब उसके नीचे है कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड हम पूरा भर लेते हैं। अब देखिए आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड दोनों हम भर लिए हैं। अब सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए ओटीपी भी हमारे नंबर पे आ गया है। अब ओटीपी हम डाल देते हैं इसमें। देखिए ओटीपी हम डाल दिए। ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरीफाई एंड डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए अब खुल रहा है। देखिए आ गया मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशंस का, और ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड करने के बाद अब इसको खोलना पड़ेगा। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। आपके नाम का पहला चार डिजिट और आपके डेट ऑफ बर्थ का कम्बिनेशन होगा। पहला चार डिजिट पहले डालेंगे फिर नाम को डालेंगे। उसको आपको खोल के भी दिखा रहे हैं। देखिए ई आधार का जो फाइल है उस पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। पीडीएफ फाइल होता है, पीडीएफ को हम यहाँ खोल ले रहे हैं। खोलने के बाद देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड में हमको अपना नाम का पहला चार डिजिट पहले डालना है। तो देखिए हमारा जैसे नाम है उमा शंकर, तो हम पहला चार डिजिट डालेंगे। यू कैपिटल में देना है सब, एम ए एस चार हो गया। तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूज करते हैं, पहला चार डिजिट जहीं तक जाएगा वहीं पे डालना है, उतने डालना है। उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है ना इसी के साथ मिला के डालना है। इसके बाद हमने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला। अब ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा पूरा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया और अब क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सके आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है। और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।